हे माई ब्यूटिफुल पीपल, कैसे हो आप सब? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। दिस इज शाइनी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल अगेन। वेल, आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी हाउ टू ड्रेप अ मेखला चादर, द ट्रेडिशनल एसमिस ड्रेस। बिहू हो या नॉर्मल फंक्शन, कॉलेज हो या फिर वेडिंग, एसमिस वीमेन बहुत ही यूनिक वे में और सिंप्लिसिटी के साथ ग्रेसफुली मेखला चादर पहनते हैं एंड दैट लुक्स एलिगेंटली अमेजिंग। बींग अ नॉर्थ इंडियन, आई हैव ट्राई टू क्रिएट द सेम एसमिस चार्म, सो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट्स पे बताना एंड भूल चुक हुई है तो वो भी बताना सो दैट आई कैन रेक्टिफाई माई सेल्फ, क्योंकि गलती से ही तो सुधार आती है ना। और मेखला चादर जैसे ब्यूटिफुल ड्रेस किसे नहीं पहनना है, राइट? जब आप जल्द से जल्द और बहुत ही यूनिक वे में ड्रेप करके बाकी सबसे अलग दिख सकते हो, तो मेखला चादर इज़ अ मस्ट बाय फॉर एवरी साड़ी लवर्स। एंड आपको ये सेम मेखला चादर लेनी है तो यू कैन चेक द बाइंग डिटेल्स जो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है हर दिन के जैसे। ओके, सो वीडियो फुल यूजफुल होने से वीडियो को एक लाइक एंड चैनल में नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। नाउ विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ ड्रेपिंग। सो ड्रेपिंग स्टार्ट करने से पहले आइए जान लेते हैं अबाउट दिस ड्रेस। मेखला चादर दो अलग पार्ट में आती है। एक पार्ट है लाइक अ सिलिंड्रिकल स्कर्ट और लाइक अ लुंगी, एंड ये होती है लाइक अ दुपट्टा, आई मीन द चादर। मटेरियल सिल्क फैब्रिक की है जिसमें एम्ब्रॉयडरी का काम दी गई है। साड़ी फैब्रिक और कलर्स इज सो स्वीट एंड एलिगेंट, जैसे कि आप देख ही सकते हो। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू बाय दिस। एंड एज अ बेस मैंने शेपवेयर पहन लिया है। शेपवेयर पे ड्रेपिंग बिना झंझट स्लिमिंग अपीयरेंस लाती है। चाहो तो कॉटन की पेटीकोट भी बांध सकते हो, एंड इफ़ यू वेयर पेटीकोट देन नॉट के साथ साथ एक्स्ट्रा क्लोथ्स को अपने नेवल के पास गैदर कर लीजिएगा ताकि साइड एंड पीछे से फ्लफी ना लगे। ओके, फिर इसके बाद लुंगी जैसे पहनते हैं, जस्ट लाइक द सिलिंड्रिकल स्कर्ट, आपको भी इसे वेयर करना है एंड इसके भीतर से अपने लेग्स को इन कर लें। ड्रेपिंग स्टार्ट करने से पहले ही अपने कंफर्ट के हिसाब से जूते पहन लीजिए ताकि बाद में फुटवेयर पहनने से ड्रेपिंग ज़्यादा ऊंची या नीची ना लगे। तो साड़ी की हाइट को जस्ट ग्राउंड टचिंग रखते हुए हम अपनी वेस्ट लाइन के अराउंड एक बेसिक राउंड की टकिंग कम्प्लीट कर लेंगे। सो टकिंग के टाइम पहले सामने से ऐसे फंसा के देन पीछे की टकिंग कंप्लीट करेंगे नीट एंड क्लीन वे में ताकि वेस्ट लाइन मैनेज्ड एंड प्लेन दिखे। अब सामने की ये पार्ट से प्लीट्स बना लेंगे। तो प्लीट्स बनाने के लिए पहले आप हाथ को सामने से ऐसे आगे की तरफ ले आइए, देन अपने थंब एंड लिटिल फिंगर का यूज करते हुए जिगजैग वे में फैब्रिक को ओवरलैप करते हुए जाए। तो आप अपने हिसाब से, आई मीन लुंगी के लेंथ के हिसाब से 2 से 3 प्लीट्स बना लो एंड देन लुंगी के जैसे वेयर करके प्लीट्स बनाओगे तो आप हेल्दी होगे, तो 2 से 3 प्लीट्स बना पाओगे और आप स्लिम हुए तो हार्डली 3 से 4, क्योंकि ये पार्ट की लेंथ उतनी ज़्यादा नहीं होती। एंड होप मैं अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। आप प्लीट्स के दोनों कॉर्नर्स एक के साथ दूसरे को इवन एंड पैरेलल कर ले और ज़रूरत पड़े तो नीचे प्लीट्स को भी मैनेज कर ले अगर खुद से ये नीचे की साइड अरेंज ना हो पाए, और हमेशा प्लीट के भीतर के कॉर्नर को भी खींच के इवन बनाए, नहीं तो नीचे की तरफ से सामने से ये प्लीट की कॉर्नर बाहर की तरफ निकली हुई रहती है। अब प्लीट्स के दोनों एंड को इवन करने के बाद अपने नेवल के पास सारे प्लीट्स के क्रीज लाइन को इकट्ठा कर ले ताकि टकिंग के समय कोई भी प्लीट्स आगे पीछे ना रह जाए, देन नेवल के पास इसे टकिंग कर ले एंड वेस्ट लाइन को भी अच्छे से इवन कर दे ताकि वेस्ट के अराउंड कोई भी फ्लफीनेस ना रहे। ओके, सो पहला पड़ाव होती है कंप्लीट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चादर और द दुपट्टा थिंग। As you can see, this part of fabric has the thread work all over. फिर चादर को खोल के आप सीधी कर ले एंड एज यू कैन सी राइट हैंड वाली बॉर्डर उड़ सीट ऑन आर बस्ट एरिया। एंड जैसे कि हम नॉर्मल साड़ी पल्लू में प्लीट्स बनाते टाइम हाथ को प्लेस करते हैं, लेफ्ट हैंड भी आपको ठीक वैसे ही प्लेस करना है। एंड जितना वाइड आप प्लीट बनाना चाहते हो उस हिसाब से अपनी उंगलियों को और थंब को ऐसे कैची की तरह पहले सेट कर ले एंड देन एक के बाद एक प्लीट्स को अरेंज करते हुए जाए। मैंने प्लीट्स की वाइडनेस बिल्कुल अपने शोल्डर जितनी ही रखी है ताकि प्लीट्स शोल्डर से निकल के वाइड बन के बाहर ना लटके, क्योंकि ऐसा होने से आपकी अपीयरेंस भी चौड़ी लगती है
और जब भी लास्ट प्लीट को आप फोल्ड करो, मेक श्योर इसकी डायरेक्शन जस्ट आपके फ्रंट प्लीट की ऑपोजिट डायरेक्शन पे बने, क्योंकि तभी तो ये आपकी बस्ट के ऊपर ऐसे सीधी बैठेगी, है ना। होप मैं क्लियर समझा पा रही हूँ। अब प्लीट्स के एन के कॉर्नर्स को एक के साथ एक को मिला ले एंड देन अच्छे से इवेंटली पकड़ के इसे एक सेफ्टी पिन से पहले तो एक बार सिक्योर कर दे, ताकि आगे की लेंथ वाइज हमारे लिए प्लीट्स को अरेंज करना और भी आसान हो जाए। ओके, अब एन को हाथ से ऊंचा पकड़ के हम लेंथ वाइज सादर को प्लीट्स में अरेंज करेंगे। ऐसा करने से आपको दिखने में भी आसानी होती है, क्योंकि सारे क्रीज लाइंस आपके सामने ही होते हैं। आपको बस क्रीज लाइन बराबर वन बाई वन प्लीट्स को गैदर करना है एंड एज आई सेड प्लीट की वाइडनेस बिल्कुल आपके कंधे जितनी चौड़ी होनी चाहिए। वाइडर ना बनाने का रीज़न तो मैंने बोल ही दिया है, पर मान लीजिए प्लीट्स की वाइडनेस पतली होती है, वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा होने से लेफ्ट साइड से आपकी बस्ट एरिया ओवर रिवीलिंग लगती है, तो आपको इसका भी ध्यान देना है एंड ज़रूरत पड़े तो कंधे पे रख के आप हाथ से प्रेस कर दें ताकि क्रीज लाइंस प्रोमिनेंट बन जाए। और यहाँ पे देखिए, आप अपनी फर्स्ट वाली प्लीट को ज़रा सी खींच के बाकी भीतर के प्लीट्स की तुलना में थोड़ी सी वाइडर बना लो, ताकि भीतर की प्लीट्स बाहर की तरफ साइड लाइन से निकली हुई ना रहे। ओके, सो दीज आर सम ट्रिक्स व्हाइल अरेंजिंग द सादर। नाउ लेट्स जस्ट सिक्योर द पल्लू वाली पार्ट विद द हेल्प ऑफ अ सेफ्टी पिन एट दिस पॉइंट। तो अभी के लिए दो पिंस लगने के बाद क्रीज लाइंस को और थोड़ी सी लेंथ तक अरेंज कर ले, जितनी लेंथ तक आप पीछे की साइड सादर की लेंथ रखना चाहते हो। तो इसके बाद सिंपली आप कंधे पे फैब्रिक को डाल के वन बाय वन प्लीट्स को पकड़ ले एंड एक सैक जहाँ पे आप सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करोगे फॉर सिक्योरिंग द ब्लाउज फैब्रिक, वहाँ पे एक पिन डाल दें। एंड दिस फैब्रिक इज़ क्वाइट ईजी टू टेम्प, और मैं बोल दूँ ये सारे पिंस हम टेम्पररी यूज़ के लिए ही लगा रहे हैं, बट बाद में पिंस निकालने के बाद अगर पल्लू फैब्रिक खोल के फ्लफी हो जाती है तो इसके लिए डू फॉलो दिस ट्रिक। सेक्शन बाई सेक्शन पल्लू को ऐसे पहले फोल्ड कर दे एंड देन हाथ से दबा दे जितना जोर आप लगा पाओ। ऐसा करने से पल्लू की क्रीज लाइंस पिन निकाल लेने से भी प्रोमिनेंट दिखती है, क्योंकि पल्लू में पिन लगी रहती है तो बहुत ही चिपका हुआ दिखता है। नाउ प्लेस द पल्लू ऑन योर लेफ्ट शोल्डर। नेक्स्ट पल्लू की लेंथ को आप मेजर कर लो, जो आपको आपके घुटने की थोड़ी सी नीचे तक रखनी है, क्योंकि लंबी लेंथ रखने से आपकी अपीयरेंस टॉलर दिखती है। तो आप देख सकते हो दूसरी एंड लूज रहेगी नीचे की तरफ। नाउ रिमूव वन ऑफ द टेम्पररी पिंस एंड वही पिन को लेके हम सादर को सिक्योर कर देंगे विद द ब्लाउज फैब्रिक। एंड सिक्योर करते टाइम हाथ को जितना हो सके पीछे की तरफ लेते हुए सिक्योर करें, ताकि नीचे झुक के कोई काम करते वक्त पल्लू सामने की तरफ ना गिरे। इसके बाद प्लीट्स को स्प्रेड कर ले एंड अरेंज करते जाए, ताकि बस्ट के ऊपर की प्लीट्स अच्छे से मैनेज दिखे। एंड ये करते टाइम भीतर के बस्ट वाली बॉर्डर को खींच के ज़्यादा ऊपर गले तक ना उठाए, नहीं तो सारी बॉर्डर ऊपर गले तक चढ़ जाती है तो आपकी फ्रंट सेक्शन ज़्यादा वाइडर लगती है। ओके, सो बॉर्डर से बस्ट को ऐसे हाफ कवर करते हुए खींच के इसे सामने की तरफ अपने लेफ्ट कमर के पास ले आए एंड बॉर्डर को सीधी एंड टाइट रख के सबसे पहले अपने नेफल के पास ऐसे टाइटली पकड़ ले। अगर आप हेल्दी हुए तो फोल्ड ज़्यादा नहीं बनते हैं, जैसे हम सादर को अरेंज करते हैं, और अगर स्लिम हुए तो आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैनेज करना होता है। इसके बाद ऐसे तीछा पकड़ के ये वाले एन को सीधी रख के फिर से ऐसे एक फोल्ड कर ले एंड ये सेम प्रोसेस फॉलो करके ऐसे एन तक डायगोनली पहले फोल्ड बना ले, ताकि नीचे की हाइट का आपको अंदाज़ा ठीक से मिल जाए एंड सामने से कॉर्नर ज़मीन पर ना लटके। ओके, अब पहले तो कमर के पास ये वाले लूज बॉर्डर को खींच के पहले बेली बटन के पास टक कर ले, देन इसके बाद ये वाली कॉर्नर को पकड़ना है एंड देन वेस्ट लाइन में अपने नेवल के पास टकिंग करनी है। तो टकिंग के बाद यहाँ पे और एक फोल्ड बना ले, ताकि सामने से ऐसे जिगजैग शेप प्रॉपरली शो हो एंड नीचे की तरफ की प्लीट को थोड़ा सा अरेंज कर ले एंड देन भीतर की साइड से लेफ्ट हिप के वहाँ फैब्रिक को टाइट रखते हुए एक सेफ्टी पिन्स के हेल्प से इसे सिक्योर कर दे। पिन का यूज़ आप भीतर से करें, ताकि फ्रंट से विजिबल ना हो। ओके, सो इसके बाद हाथ से फैब्रिक को फोल्ड वाइज प्रेस कर दे। सो हमारी टाइट फिटेड मेखला चादर ड्रेपिंग होती है कंप्लीट।
अब फ्रंट के बस्ट वाले बॉर्डर को भी अरेंज कर ले ताकि कोई भी प्लीट्स अंदर दबी ना रह जाए, क्योंकि फ्रंट प्लीट्स जितने ज़्यादा और पतले होते हैं वो दिखने में उतनी ही खूबसूरत लगती है। एंड इन केस आपकी बस्ट के ऊपर की बॉर्डर सम वॉट लूज लग रही है तो एक ट्रिक का यूज़ कर सकते हो, भीतर के बॉर्डर को छोटी सी एक फोल्ड करके उस फोल्ड को एक साथ प्लीट्स के साथ पकड़ ले एंड देन यूज अ सेफ्टी पिन टू सिक्योर दैट फोल्ड। तो पर्टिकुलर ये वाले ड्रेपिंग को मैंने कुछ इस तरीके से स्टाइलिंग करी है, चोकर, ईयर रिंग्स, रिंग्स एंड बैंगल्स के साथ, जो पूरी की पूरी एसएमई स्टाइलिंग से इंस्पायर्ड है। मैंने देखा है शादी हो या कॉलेज इवेंट्स या फिर स्कूल के फंक्शंस, हाउ ग्रेसफुली दे कैरी देयर मेखला चादर। एंड आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर एन इवेंट एंड आई गेस भूल चुक तो हुई है शायद, बट जितना हो सका मैंने ट्राई करा टू एक्सप्लेन द होल मेथड विद यू। फिर भी कोई भी क्वेरी या फिर सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट्स पे लिख के बताना सो दैट आई कैन सॉल्व और रेक्टिफाई द प्रॉब्लम। और पल्लू वाली पिन आप चाहो तो निकाल भी सकते हो या फिर रख भी सकते हो। एंड आई रियली होप मैं आप लोगों को ड्रिपिंग प्रोसीड्योर प्रॉपरली समझा पाई। सो आई होप यू लव माई टूडेज ड्रेपिंग एंड स्टाइलिंग एंड आई रियली होप आई मेड जस्टिस टू योर प्रेशियस टाइम। इफ़ येस देन वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना एंड सब्सक्राइब करने के बाद साइड के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर कोई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट डे विद एन अनदर ड्रेपिंग एंड स्टाइलिंग वीडियो। टिल देन गुड बाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग।